गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डेली करंट अफेयर्स में आज के करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द सीईओ ऑफ पेटीएम मनी। पेटीएम मनी के सीईओ बने हैं राकेश सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पेटीएम मनी को एस्टेब्लिश किया गया था 28 नवंबर 2017 में। हेडक्वार्टर है नोएडा में। फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। इसे शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला था 2021 में, ठीक है। 2017 में स्थापित हुआ था शेड्यूल बैंक, 2021 में बना। और 31 जनवरी 2024 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक का ट्रांजैक्शन बैन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं अभी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के डायरेक्टर जनरल बने हैं सदानंद वसंत दत्ते। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र झांझड़िया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन हैं किशोर मकवाना। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके चेयरमैन हैं राहुल सिंह। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल। फिर हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं MV राव। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर नयन तारा हैं। इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर हैं सीताराम मीना। रशिया में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर हैं विनय कुमार। म्यांमार में हैं अभय ठाकुर। और इराक में हैं सोमेंदु बांगची। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इस रिपोर्ट में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है, इसका फोरकास्ट किया गया है। 2024-25 के लिए भारत की इकोनॉमी 6.6% से ग्रो करेगी। IMF के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए भारत की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट वो रहने वाली है 6.8%। और OECD ने बताया है कि वर्ल्ड इकॉनमी कितनी ग्रो करेगी, इसका एक्सपेक्टेशन है वर्ल्ड इकॉनमी के लिए 2024 में 3.1% और 2025 में 3.2%। OECD ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। इट वॉज सेटअप टू डेवलप पॉलिसी स्टैंडर्ड्स टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये रिसर्च कंडक्ट करता है ऑन ग्लोबल एंड रीजनल इकोनॉमिक इशूज़। मेंबर कंट्रीज़ को ये रिलायबल डेटा प्रोवाइड करता है ताकि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने में वो उस डेटा का इस्तेमाल कर सकें। एट प्रेजेंट OECD मेंबर कंट्रीज़ अकाउंट फॉर 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 3/5 ऑफ द वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 3/4 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी कंजप्शन। कितनी कंट्रीज़ हैं टोटल? 38 कंट्रीज़ हैं। 2021 में लेटेस्ट जो कंट्री ने ज्वाइन किया है वो है कोस्टा रिका। भारत इसका मेंबर नहीं है। इसके अलावा चाइना भी इसका मेंबर नहीं है। रशिया भी OECD का मेंबर नहीं है। OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इंडेक्स और रिपोर्ट्स यहाँ रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इंडिया ने बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल की है इन डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट में 2023 में, और चाइना से आगे आ गया है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अकॉर्डिंग साइबर क्राइम में भारत की रैंक आती है 10 नंबर पर। JNU इमर्ज होकर आया है टॉप रैंक्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के रूप में इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 3rd नंबर पर है विद 67 यूनिकॉर्न्स। नंबर 1 पर है USA, 2nd पर है चाइना। नीलगिरी एंड महोबा ये दोनों नंबर 1 पर आते हैं इन जल जीवन मिशन सक्सेस अमंग 299 डिस्ट्रिक्ट्स। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 2040 तक हर साल लगभग 1 मिलियन डेथ्स देखने को मिलेंगी, लैंसेट रिपोर्ट में ये कहा गया है। UNFPA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 77 सालों में डबल होने की संभावना है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड का। इंडिया टॉप 12 नेशन में शामिल है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर 60% ऑफ मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 18 GW ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द 2024 विटली गोल्ड अवार्ड। ये अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। असम से ये बिलोंग करती हैं, एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने जीता है इनका 2nd विटले गोल्ड अवार्ड, मतलब पहले भी मिल चुका है, अभी 2nd टाइम मिला है। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। शी वॉज ऑनर्ड फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर ऑफ द इंडेंजर्ड बर्ड हरगिला, या फिर जिसे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले इन्हें ये प्राइज़ मिला था 2017 में 2nd टाइम, और फिर से दिया गया है विटले अवार्ड। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी बाय एडवर्ड विटले UK में। पहली बार ये अवार्ड 1994 में दिया गया था। द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ये अवार्ड जीता वो थी अर्चना गोडबोले एंड ब्रैड नॉर्मन इन 2007।
अवार्ड्स और ऑनर्स रिवाइज कर लेते हैं इधर. सुरिंदर एस जोध का, विकास कुमार, इन दोनों को आदिश एशिया अवार्ड दिया गया है. इजरायली मैथमेटिशियन है एवी विगडर्सन, इन्होंने जीता है एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड. स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में दोहा के हमाद को मिला है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब. इंडिया ने 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2024. अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है. पैट कमिंस, नेट स्कीवर, इन दोनों को विस्टन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है. कन्नड़ पॉइंट है ममता जी सागर, इन्होंने जीता है इंटरनेशनल लिटरेचर प्राइज. डॉक्टर गगनदीप कंग ने जीता है जॉन डिर्क गैडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड. जॉर्ज लुकास ने रिसीव किया है ऑनररी पाम डी ओर एटकिंस फिल्म फेस्टिवल. इसरो की चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड दिया गया है. और यूलिया नवलनया, इन्होंने जीता है जर्मन डेमोक्रेसी प्राइज. वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन बीन बिल्ट बाय द इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप. भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन इसको पुणे में बनाया जा रहा है, मतलब बना दिया गया है. इसका इनॉग्रेशन हुआ है अभी. और इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह के द्वारा. ठीक है, तो याद रखिएगा पुणे में है ये कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर कुछ और पार्क देखें, गार्डन्स देखें, तो इंडिया पार्क यूएई में है. इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम में है. G20 पार्क नई दिल्ली में है. शिव सृष्टि पार्क ये पुणे में है. अनुभूति इंक्लूसिव पार्क दिव्यांग के लिए ये नागपुर में है. ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद रखिएगा. विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन. इसको उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है. उत्तराखंड टूरिज्म ने इसके लिए स्टार स्केप्स के साथ में एक पार्टनरशिप की है नक्षत्र सभा के लिए, जो कि इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव है. अब इसके अंदर जो जो एक्टिविटीज़ होंगी उनमें इंक्लूड है स्टार गेजिंग, सोलर ऑब्जर्वेशंस, एस्ट्रो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट और कैंपिंग. एम है इसका ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करना. यर्मिया मानेले हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. तो याद रखना है सोलोमन आइलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं, बस इतना याद रखना है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सोलोमन आइलैंड्स देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो लोकेशन देखने को मिल रही है ये हैं सोलोमन आइलैंड्स, अ नेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स इन द साउथ पैसिफिक. कैपिटल है इसकी होनियारा, करेंसी है सोलोमन आइलैंड्स डॉलर. कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ओशियाना से बिलोंग करता है. प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं यर्मिया मानेले और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है इंग्लिश. विच कंपनीज इंडिया एफिलिएट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज अ टॉप एम्प्लॉयर फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर. ये कंपनी कौन सी है? ये है फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल PMI. PMI की जो इंडिया एफिलिएट है उसको टॉप एम्प्लॉयर लगातार 5वीं बार रिकॉग्नाइज किया गया है. बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें और कुछ खास नहीं है. विच डेयरी कंपनी हैज़ बीन नेम्ड द लीड आर्म स्पॉन्सर ऑफ द USA क्रिकेट टीम फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप. जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इसमें USA की टीम भी पार्टिसिपेट करेगी. ठीक है, तो उसको उसके लिए लीड आर्म स्पॉन्सर बना है अमूल USA क्रिकेट टीम के लिए. और USA के अलावा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो है उसको भी यही स्पॉन्सर करेगा. ठीक है, अमूल स्पॉन्सर्ड बोथ द USA एंड साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम्स फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप. और याद रखिएगा USA को होस्ट भी है इस T20 वर्ल्ड कप का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024 टेकिंग प्लेस. नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024 ये रांची में होने वाली है. 8 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी. यहाँ स्पोर्ट्स न्यूज रिवाइज कर लेते हैं. दीपिका सोरेंग ने जीता है असुंता लाकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर. इंडिया ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 9 मेडल्स जीते हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने हाईएस्ट रन बनाए हैं इन इंडियन प्रीमियर लीग. अर्जुन कढ़े और जीवन नदुनचेजियान, इन्होंने चैलेंजर का खिताब जीता है मैक्सिको में. इंडोनेशिया के क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन क्राउन जीता है. रश्मि कुमारी ने नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल जीता है 12वीं बार. हरेंद्र सिंह रीअपॉइंट हुए हैं इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम के कोच के रूप में. ऐश्वर्या मिश्रा ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता. नोवाक जोकोविच, रोहन बोपन्ना ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 पर ये मौजूद हैं दोनों. मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने जीता है मिडन आई लीग टाइटल. और रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है F1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2024. रिसेंटली एस्ट्राजेनेका एक्नॉलेज्ड दैट इट्स कोविड वैक्सीन कोविशील्ड कैन लीड टू थ्रोम्बोसिस. इट इज़ अ डिजीज ऑफ द ये ब्लड की एक डिजीज़ होती है थ्रोम्बोसिस, और ये एक रेयर कंडीशन होती है जो वैक्सीनेशन के कारण होती है. इसमें क्या होता है तो ब्लड के क्लॉट्स बनने लग जाते हैं
जो कि फिर आगे जाके हार्ट अटैक का रीज़न बनते हैं, क्योंकि ब्लड के क्लॉट्स, अगर ब्लड जम जाएगा तो वो स्मूथली फ्लो नहीं कर पाएगा, और जब वो फ्लो नहीं कर पाएगा तो फिर हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और फिर उसकी वजह से पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं, साथ में लो प्लेटलेट काउंट भी इसमें देखा जाता है। और थ्रोम्बोसिस में अफेक्टेड एरियाज इसमें कौन से हैं, ब्रेन, एब्डोमेन और लंग्स। सिम्टम क्या होते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, ऑफकोर्स ब्रीद कैसे कर पाएंगे अगर ब्लड की क्लॉटिंग होने लग जाएगी तो, चेस्ट या फिर एब्डोमिनल पेन होता है और लेग स्वेलिंग होती है, ये सिम्टम्स हैं। कंसर्न्स देखे जाएँ तो सीरियस कंसर्न है लेकिन एक्सट्रीमली रेयर है, और वैक्सीनेशन से ये मुश्किल से ही ये होता है थ्रोम्बोसिस, लेकिन अगर हो जाए तो सीरियस भी होता है। और हमने देखा है काफ़ी न्यूज़ इस बारे में बनी है कि कोविशील्ड जिनको लगी थी उन कई सारे लोगों को हार्ट अटैक आया है रिसेंट में, और ये सुन के काफ़ी लोग पैनिक भी हो गए हैं। लेकिन पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी ऐसे सिम्टम लगते हैं तो इमिजिएटली चेकअप करवाएं। ओके, लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रुआंग वोल्केनो इज इन विच कंट्री दैट हैज़ इरप्टेड रिसेंटली, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। आंसर बताएगा इसका कमेंट में, और शायद आंसर ना बता पाएं आप लोग क्योंकि अभी हमने कल और परसों की करंट अफेयर नहीं की है और उसमें से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आज दिन में वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, और अब क्योंकि पूरा अप्रैल भी ख़त्म हो गया है तो मंथली भी हमें करनी है, वो भी बहुत जल्दी आपको एक दो दिन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो का यही होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।